सारेगामापा को लेकर ये बड़ी बात रिवील कर दी राइटर सिद्धार्थ डे ने। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इंडियन आइडल सीजन 12 कितना ज़्यादा टीवी पर पसंद किया गया, और अगर आप संगीत को पसंद करने वाले हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि इंडियन आइडल सीजन 12 को बनाने वाली ही टीम यानी कि द कंटेंट टीम एक नए शो पर काम कर रही है जिसका नाम है सारेगामापा। यानी कि एक बार फिर से भारतीय सिंगिंग रियलिटी शोज की लिस्ट में एक और सिंगिंग शो आने वाला है जिसका नाम है सारेगामापा, और इसको वही राइटर लिख रहे हैं जिन्होंने लिखा था इंडियन आइडल सीजन 12। तो उसके राइटर ने एक इंटरव्यू में सारेगामापा को लेकर एक बड़ी बात बोल दी है, और उनका कहना है कि हम सारेगामापा को लेकर बेहद ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमने इंडियन आइडल सीजन 12 से एक इतिहास बना दिया, हमने 12 घंटे का फिनाले कर दिया, हमने टीवी पर इतना लंबे समय तक चलने वाला एक शो बनाया है, और अब सारेगामापा के मेकर्स की उम्मीदें हमसे बहुत ज़्यादा हैं, और हम सभी मिलकर सारेगामापा शो को इंडियन आइडल से भी बड़ा बनाना चाहते हैं, हम सब प्रयास कर रहे हैं, और शायद इस बार सारेगामापा का टैलेंट भी इतना ज़बरदस्त होगा जो भारत की जनता को पसंद आएगा। तो दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताएं कि क्या आप इस अपकमिंग शो यानी कि GTV प्रेजेंट्स सारेगामापा को देखने को उत्साहित हैं, जिसके जज हैं हिमेश जी, विशाल ददलानी और अनुभवी शंकर महादेवन सर। आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।